अकेले खाऊंगा तो मुझे स्वर्ग में भी सुख नहीं मिलेगा। मेरी सुख की खाती छटपट आने वाले अपने भाई को ढूंढ के लाता तब खाऊंगा। तू खाना खाएगा? मुझे भूख नहीं। क्यों रे? स्कूल से आते खा लिया था ना मैंने, और अभी रानू के यहाँ चाय भी खा रहा है। और ये क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं मार से। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं दिखा? बोला ये कैसे हुआ रे? चाय गिर गई थी ना, गर्म थी। कैसा पागल है तू, चाय क्यों पी रही है? उनके कप का कान ही टूटा हुआ था, जैसे कप उठाया चाय हाथ से छूट गई और पाँव में फैल गई। कैसी आदमी, बच्चे को चाय तक देने दी? नहीं माँ, सिर्फ मेरे वाले कप का कान टूटा हुआ था। ऐसे तो मुझे चाय नहीं पीनी थी, पर नानू की माँ ने कहा तो नानू के दोस्त हो ना, मैंने कहा हाँ हूँ, तो बोली वो सामने रखा कप उठाना, मैंने सामने आले में रखा कप उठाया। मधु खबरदार, तू किसी के यहाँ कुछ खाया पिया? माँ वो लोग बहुत अच्छे इंसान है माँ। तू बच्चा है, तू नहीं समझ। चल अंदर चल, मधु कथा। वासुदेव जी, वासुदेव जी। कौन है? वासुदेव जी घर पर नहीं। जी प्रणाम, लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। देखा तो है कभी, पिछले साल मधु के जरियों के बखत। सत्य है, हम केशव राव अभ्यंकर, वासुदेव के मित्र कह लीजिए, आप उनकी भाभी है ना? सत्य है। मधु ये वही है ना, इसी के यज्ञोपवीत संस्कार पे हमें आना हुआ था। जी बैठिए। वो जरा हमें जल्दी है, क्या है कि विगत 4-5 दिन से वासुदेव की शाखा में दिखाई नहीं दी। एक दो व्यक्तियों से पूछा भी, परंतु किसी को ज्ञान ही नहीं था, स्वयं ही चले आए। क्या वो कहीं बाहर ग्राम गए हैं? जी। आप एकाएक गंभीर क्यों हो गई? नहीं तो हमें भी पता चला है, बहुत आश्चर्य हुआ। ना आप माधव के लेने में, ना उद्धव के देने में, फिर भी सत्यनारायण की पूजा में किसी का अपमान। जी वो इसी बात में दोनों भाइयों में बहस हो गई। देवर जी सुबह से ही घर से निकले हुए, अभी वो गए हैं उन्हें ढूंढने के। वासुदेव की किंचित उस प्रकृति के, जरा जरा सी बात पर लड़ाई चल रही, परंतु इस प्रकार क्रोध करने से क्या होगा? आप उनके मित्र, आप ही उन्हें क्यों नहीं समझाते? अब वो अवसर मिले तब ना। वैसे तो वासुदेव जी संघ का संपूर्ण कार्य दिवस मनाने के लिए कहते हैं, और एक कन्या से प्रेम करते हैं। प्रेम करते? मधु क्या प्रेम करते? हमें निश्चित ज्ञान तो नहीं, परंतु कोई व्यर्थ में ही क्यों प्रसारित करेगा? वास्तव में ना करते हो तो आप समझती है ना। अच्छा हमें आज्ञा दे, वासुदेव जी आए तो स्मरण पूर्वक कह दीजिएगा कि हम आए किसी महत्वपूर्ण कार्य पर वार्तालाप करनी है। प्रणाम। प्रेम करते तो चल अंदर। अच्छा आप लौट चले।
अरे क्या बात कर रहे हैं, जब घर तक आ गए हैं तो दरवाजा भी खटखटा लेते हैं, समझाएंगे। अरे ओ सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर, अरे सो गए का सिद्धे? आप फिर आगे और चिल्लाइए मत, बच्चा जग जाएगा मेरा। सिद्धेश्वर से कहो कि हम आए हैं। क्यों मुर्दा पहुंचवाने, शर्म भी नहीं आती? अरे क्या बक रही है कि तू है? अरे हम तेरे बाप की उम्र के हैं कि जो ऐसो वो योग्यता भी है आप? ओ जी, हमारे मुंह में भी जिब्बा है कि अगर हम पे सनक सवार आए तो। ये डब्बू पंडित, हम आपसे पहले ही कह रहे थे कि हमें लौट चलना चाहिए, लुट गई ना इज्जत। आपने अपना अपमान तो कराया ही, हमारा भी कराया, एक स्त्री से और वो भी एक महाब्राह्मण की स्त्री से। अरे चले जाइए यहां से। सच कहे तो इन सब के जिम्मेवार दिगंबर शास्त्री, एक कुछ व्यक्ति से अपमान, वेदांत शास्त्री का अपमान, हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है। वो पंडित, हमारी माता का क्या? हे शास्त्री जी, आप फिर धारण, हम लोग चल रहे हैं ना दिगंबर शास्त्री के पास, जरूर कोई ना कोई उपाय करें। आप पहले यहां से पूछिए और चलिए। अरे शास्त्री जी, हमें पता है ना कि आप कहीं पे भी लोग सब तैयार हो गए। अरे दान शास्त्री, हम आपका बार दुख समझते हैं, माता राम का आधार जाता रहा, परंतु आपको धीरज से काम लेना हो। शास्त्री जी, जो नहीं होना चाहिए था वही तो, मृत्यु है ही नरेश, परंतु 90 वर्ष की आयु कुछ कम नहीं होती। अरे शास्त्री जी, हमारी माता का क्या होगा? दिगंबर शास्त्री, अब तो बच्चों ऐसी बात कर, होगा क्या? ब्राह्मण नारी जी सीधे स्वर्ग बात करेंगे। अरे पहले अंतिम संस्कार तो हो जाए, स्वर्ग इत्यादि तो बाप की बात रही जो है सो। क्या मतलब? मतलब सिद्धेश्वर अंत्येष्टि नहीं करवाएगा? नहीं करवाएगा? अरे मुझे अभी बता क्यों नहीं करवाएगा, वो उसका धर्म है। अपना तमाचा अपने ही कनपट्टी में पड़ गया है शास्त्री। ना तमाचा, सत्यनारायण पूजा का प्रताप देगा शास्त्री। वो सिद्धेश्वर तो आना चाहता था पर वो वासुदेव आ रहे आ गए और अब चुपचाप चले आए। तो क्या करते हैं हम? उसके बाद कर ले आते हैं। विश्वास खराब नहीं है का शास्त्री जी, और वासुदेव के नाते नहीं महाराज, हमें अपनी देह की मालिश नहीं करवानी। आप ये अगर हिंदुत्व की रक्षा में काम में आती तो आपका जीवन सार्थक हो जाता। हमारी माता का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा कर रहा। इस शरीर व्यर्थ की चर्चा किसने करे थे कमल शास्त्री? अब उसे व्यर्थ की चर्चा कहते हैं? हम आपका दुख समझते हैं, परंतु आप ज्ञान महान पंडित विद्वान भगवती को वही बात क्यों समझ में नहीं आती? शास्त्री जी, आपका माता का अंतिम संस्कार तो एक निमित्त है, यहाँ तो एक महाब्राह्मण अपने अपमान का बदला लेने के लिए संघर्ष का डंडा पीट रहा है। प्रश्न हमारे रूढ़ियों की, धर्म के, परंपराओं के भविष्य का याद रखिए। शुद्ध शमशान हमारे सामने थम संकट बनकर खड़ा है, इसलिए हमें भी दृढ़ संकल्प होना होगा। उन्हें अपमानित करके क्यों निकाल दिया? वाह 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 राम शास्त्री, वाह! सबसे पहले आप ही तो सिद्धेश्वर के बारे में हमें बताया था। वो हमारा कर्तव्य था, मैं क्या मालूम था आपसे तत्काल निकाल बाहर कर देंगे? पूजा के पवित्र स्थान पर शमशान कर सिद्धेश्वर को देखने के बाद किसने 108 बार गायत्री मंत्र का जाप किया? आज आपका माता का अंतिम संस्कार के लिए झमेला हो रहा है तो आप ऐसी बात कर रहे हैं, परंतु सिद्धेश्वर के बारे में मैंने जो कुछ भी किया वो सब धर्म संगत है। साफ देना और साफ मुक्त करना हमारे धर्म का मूल सार है का साथ। हमारे विचार से अगर जदो समोपचार से काम लिया जाए तो पंडित हरी अकल कब आएगी? समोपचार का धोता है एक महाब्राह्मण के सामने क्षमा
की याचना करना कि भाई हमसे भूल हो गई, हम दामन फैला के प्रार्थना करते हैं कि आप वेदांत शास्त्री की माता का अंतिम संस्कार कीजिए। विदा पवित्र का अर्थ होता है अपनी प्रतिष्ठा गवाना। ये सब तो ठीक है, परंतु हमारी माता की अंतिष्ठा हम उसी पर विचार कर रहे हैं। पंडित जी, आप कह रहे थे सिद्धेश्वर आना चाहता था, परंतु वासुदेव भाई आ गए। हाँ बिल्कुल सही है का जो है, अर्थात समस्या सिद्धेश्वर नहीं बल्कि वासुदेव है। सबसे पहले वासुदेव का बंदोबस्त करो। तो माता बंदोबस्त होने तक हम माता का पेट घर में संडे थे, ऐसा प्रसंग है और आप कैसी चर्चा? उचित चर्चा कर रहे हैं हम। वासुदेव शास्त्री जी, आप वासुदेव को कहीं शास्त्री जी ने एक ब्राह्मण की हत्या करे ये बहुत बड़ा पाप है। ब्राह्मण नहीं, शमशान कर्मी है, महाब्राह्मण की हत्या। ऐसे महाब्राह्मण जो अपने पूर्वज की परंपरा अंतिम संस्कार करना छोड़ दिया है, छोड़ी नहीं दिया है बल्कि इसकी निंदा करने तक भी नहीं करता, और तो और जो समानता का समर्थन करता है। रहा प्रश्न पाप का, तो धर्म शास्त्र अनुसार अधम का विनाश करना पाप है ही नहीं। नहीं दिगंबर शास्त्री, नहीं। हे शिव, कौन से पाप का दंड दे रहा है? जिस माता ने 9 मास 9 दिवस अपने कोख में आश्रय दिया, जन्म दिया, बड़ा किया, कष्ट झेले, रात को दिन समझा, उस माता के लिए मैंने क्या किया? तो उसके मृत्युदेह को सरगर्मी तक नहीं गिरा सकता। पापी अभागा अपने माता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, मुझे प्रकाश का मार्ग दे, मुझे प्रकाश का मार्ग दे। तुम महासंत कमय, तुम सो मां ज्योतिर्गमय। दिगंबर शास्त्री, हमने निर्णय कर लिया है, हम अपनी माता की अंत्येष्टि क्रिया स्वयं करेंगे। धर्म शास्त्री, आपका सिर तो नहीं गिर गया? अंतिम संस्कार जैसा धर्म का माप करेंगे, लोग क्या कहेंगे, आपका मान सम्मान का क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। अंत्येष्टि क्रिया कर चुकने के पश्चात हम गायत्री मंत्र का 1000 रात जाप करके पूरा पवित्र हो जाएंगे। आप क्या करें, स्वीकार करें तब ना। हमें स्वीकार, हम चाहते हैं कि मरने के बाद हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुले। माता की अंतिम सेवा कर हम उसे खुलवा कर रहेंगे। माता की सेवा करके आप स्वर्ग के द्वार पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वेद पंडित होकर शमशान कर्म के कारण आप उसे खुलवा नहीं पाएंगे। अर्थात ना इधर का ना उधर का, त्रिशंकु को बनकर अधर में लटकते रहेंगे। पंडित जी, केवल आप नहीं बचा सकते हैं, हम यानी हम आदम होंगे। शास्त्री जी, हम शमशान कर्मी के काम करें, हमारे सामने कोई हमारे बेटे को कुछ समझे, ये मैं सही नहीं सकता। चाहे इस पर आप हमारी हत्या क्यों नहीं करते, लेकिन मैं अपने धर्म से नहीं टिक सकता।